सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास है एक स्टार्टर मोटर। दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो रेटेड करंट है 12 वोल्ट 350 वॉट की है दोस्तों ये मोटर। अभी दोस्तों आप इसको डायरेक्टली बैटरी से चलाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट होगी और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता हो कि मैंने इस स्टार्टर मोटर से एक ई बाइक बनाई थी। उस मोटर की दोस्तों मैंने रिवाइंडिंग करी थी तो उसमें काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए थे कि आपने इस स्टार्टर मोटर की रिवाइंडिंग किस तरह करी है, उस पर वीडियो बनाओ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस मोटर की रिवाइंडिंग करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें इसको जो इंसुलेशन दिख रही है आपको उसको निकालना है। तो उसके निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोस्तों इसको गैस पे काफ़ी ज़्यादा गर्म करिए, उससे दोस्तों ये जो वाइंडिंग है ये पिघल जाएगी और आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसकी वाइंडिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब जो इंसुलेशन है ये निकल चुकी है, आप देख सकते हो दोस्तों ये काफ़ी आसानी से निकल जा रही है। अब फ्रेंड्स, इसका जो वायर है उसको मैं निकाल लूँगा और इसको पूरा साफ कर लूँगा। फ्रेंड्स, ये वो वायर है जिससे इसकी वाइंडिंग हुई थी। हम इसमें दोस्तों ये वाला वायर यूज़ करने वाले हैं। ये दोस्तों उससे मतलब हाफ साइज़ का है, आप देख सकते हो। तो चले दोस्तों इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम इसकी इंसुलेशन निकाल लेंगे इस वायर की। हम इसको कटर से छील लेंगे। आप दोस्तों इसको गर्म करके भी इसकी इंसुलेशन को निकाल सकते हो। अब दोस्तों हम किसी भी एक स्लॉट से स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों हम इस वाले स्लॉट में एक छोटा सा लूप बना लेंगे इस वायर से, कुछ इस तरह से। अब दोस्तों आप देख रहे हो ये जो बीच वाला स्लॉट है इसके सामने वाला ये हमें छोड़ना है और इसके बाद वाले से हमें एक लूप बना लेना है, कुछ इस तरह से। दोस्तों आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों हमें इसमें 20 टर्न्स देने हैं। दोस्तों मैं फटाफट से इसमें 20 टर्न्स कंप्लीट कर लेता हूँ। आपको दोस्तों वायर थोड़ा खींच के डालना है ताकि ये जो RPM पे घूमे काफ़ी ज़्यादा, तो जो वायर से हमारा वो निकले नहीं। फ्रेंड्स, के 20 टर्न्स खत्म हो गए, सॉरी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वाले स्लॉट में वापस एक लूप बना लेंगे इसी वायर से। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वायर है ये बीच में टूटे नहीं, नहीं तो आपको वाइंडिंग फिर से करनी होगी। इसी तरह दोस्तों हम आगे वाले स्लॉट से फिर से स्टार्ट करेंगे, 20 टर्न्स देना। इसी तरह दोस्तों मैं पूरी मोटर को कंप्लीट कर लूँगा। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस मोटर को पूरा कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो इसकी वाइंडिंग काफ़ी अच्छी हुई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको सोल्डर कर लिया है इन पॉइंट्स पे ताकि ये जो हमारी जो मशीन है वो काफ़ी अच्छा काम करे। अब दोस्तों इस पर हम सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये जो मोटर है हाई RPM पे घूमने पर ये जो वायर है ये वापस बाहर नहीं आए। अब हम इसको वापस असेंबल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस मोटर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसको असेंबल कर दिया है। अब दोस्तों हम इसको टेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 24 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसका जो एक पॉइंट है वो तो ये रहा और इसका एक पॉइंट दोस्तों आप इसकी बॉडी में कहीं पर भी टच कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसको टेस्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो ये मोटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों जो पहले मोटर थी वो 350 वॉट की थी और उसको काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती थी और उसका जो RPM है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं था। अब दोस्तों इसका जो RPM है वो भी बढ़ चुका है और थोड़ा पावर भी ये कम ले रही है अभी। अब दोस्तों इतनी जल्दी हीट नहीं होगी। अब आपको दोस्तों RPM का ऐसे अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर मैं इस ड्रिल चक को आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार। अब दोस्तों हम इसका पावर चेक करेंगे कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो सुबह ही मेरा हाथ पूरा जल जाता अभी। तो आप ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पावर है इस मोटर के अंदर। एक मिनट दोस्तों, मैं कपड़ा पकड़ लेता हूँ हाथ में।
सो गाइस आप देख सकते हो ये मोटर काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं इससे एक अच्छी ई बाइक बनाऊं तो दोस्तों मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं आपके दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूं। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।